श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि गणेश चतुर्थी जो इस बार 25 अगस्त 2017 को है कैसा मनाते हैं, कैसी तैयारियां की जाती है। गणेश चतुर्थी उत्सव की तैयारियां एक महीने या एक हफ्ते पहले से शुरू हो जाती है, जो मतलब पंडाल वगैरह का जो चक्कर है। जो अत्यधिक कुशल कलाकार और कारीगर गणेश चतुर्थी पर पूजा के प्रयोजन के लिए भगवान गणेश की विविध कलात्मक मिट्टी की मूर्तियों का निर्माण करने लगते हैं वो 1.5-2 महीने पहले से शुरू हो जाता है। पूरा बाजार गणेश की मूर्तियों से भरा होता है, सारा बाजार अपने पूरे जोर से गति पकड़ता है, ये देखकर बहुत अच्छा लगता है। प्रतिमाओं को एक असली रूप देने के लिए उन्हें कई रंगों का उपयोग करके सजाया जाता है। जब समुदाय में मनाते हैं तो समुदाय के लोग रुपयों के योगदान और संग्रह के लिए विशिष्ट क्षेत्र में पंडाल तैयार करते हैं। समुदाय के लोग पूजा करने के लिए गणेश जी की भव्य प्रतिमा लाते हैं। वे दूसरों की तुलना में अपने पंडाल को आदर्श बनाने के लिए अपने पंडाल को सजाते हैं, फूल माला बिजली की रोशनी सबसे सजा देते हैं। वे धार्मिक विषयों के चित्रण विषय पर आधारित सजावट करते हैं। मंदिरों के पुजारी शॉल के साथ लाल या सफ़ेद धोती में तैयार होते हैं। वे मंत्रों का जाप करते हैं और प्रार्थना करते हैं। प्राण प्रतिष्ठा और सदुपचार की धार्मिक क्रिया होती है। भक्त नारियल मोदक गुड़ दूध घास फूल लाल फूल की माला इत्यादि सहित भगवान के लिए विभिन्न प्रकार की चीज़ों की भेंट चढ़ाते हैं। भक्त पूरी प्रतिमा के शरीर पर कुमकुम और चंदन का लेप लगाते हैं। एक बड़ा अनुष्ठान समारोह हर साल आयोजित किया जाता है। लोग मंत्रों का जाप भक्ति गीत उपनिषद से गणपति अथर्व संहिता वेद ऋग्वेद से सस्वर भजन करते हैं। गणेश चतुर्थी पूरे भारत में मनाई जाती है। जो छोटे तबके जो होते हैं या जो बाहर नहीं मनाते हैं अपने घर पे गणपति की स्थापना करते हैं। बहुत से परिवार इस त्यौहार को छोटे स्तर पर सभी रस्मों को समान ढंग से करके अपने घर में मनाते हैं। परिवार का एक सदस्य गणेश जी की छोटी या बड़ी मूर्ति घर लाकर घर के मंदिर या घर के बीच या किसी बड़े खुले स्थान पर मूर्ति की स्थापना करते हैं। परिवार के सभी सदस्य विसर्जन तक दोनों समय सुबह जल्दी उठकर और शाम को एक साथ गणेश जी की प्रतिमा की पूजा करते हैं। लोग प्रार्थना करते हैं, भक्ति गीत गाते हैं, नृत्य करते हैं। हरी घास के फूल फल घी दिया मुलायम घास का गुच्छा सब चढ़ाते हैं, धूप चढ़ाते हैं। एक 21 सूत या फिर एक ऐसा सूत जिसके 3 या 5 गुच्छे हैं, दोनों समय पूजा की जाती है। लोग दोनों समय पूजा करते हैं मुख्यतः 21 बार और अपनी पूजा बड़ी आरती के साथ समाप्त करते हैं। महाराष्ट्र में लोगों द्वारा विशेष रूप से संत रामदास द्वारा 17वीं शताब्दी में लिखी गई आरती गाई जाती है। घरेलू समारोह पहले दिन, तीसरे दिन, पांचवें दिन, सातवें दिन या फिर 11 दिनों के बाद नदी समुद्र आदि की तरह बड़े पानी के स्रोत में प्रतिमा का विसर्जन पर समाप्त होता है। आजकल लोग पानी के बाल्टी में या टब में विसर्जन करते हैं क्योंकि इतना ज़्यादा रश हो जाता है, पॉल्यूशन हो जाता है, वेस्टेज ऑफ टाइम होता है, तो एक शॉर्टकट विधि है और जो अच्छा भी है और बाद में उस मिट्टी का उपयोग कर लेते हैं बगीचे वगैरह में। तो बेसिकली इसकी जो तैयारी है वो काफ़ी पहले से शुरू हो जाती है। अब भगवान गणेश का सबसे प्रिय व्यंजन जो है वो मोदक है। विभिन्न भाषाओं के कारण अनेक नाम हैं, कन्नड़ में कुडुबू या मोदक, मलयालम में कोझाकटा और मोदकम। 21 की संख्या में गणेश जी को मोदक की भेंट करने की रस्म है। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।